स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए चंद्र मानक समय LST, बी आकाशीय समय मानक CTS, सी यूनिवर्सल लूनर क्लॉक ULC, डी समन्वित चंद्र समय LTC। एक्सप्लेनेशन: ये निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को समन्वित चंद्र समय LTC के लिए 2026 के अंत तक एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चंद्रमा पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के कारण वहां समय पृथ्वी के सापेक्ष हर दिन 58.7 माइक्रोसेकंड तेजी से चलता है, जिसका अंतरिक्ष यान को सिंक्रनाइज करने का प्रयास करते समय महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अगला प्रश्न: कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? ए IIT वाराणसी, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली, डी IIT खड़गपुर। आंसर: बी IIT बॉम्बे। एक्सप्लेनेशन: 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। CAR-T थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। अगला प्रश्न: हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए प्रहार, बी त्रिशूल, सी अग्नि प्राइम, डी नाग। आंसर: सी अग्नि प्राइम। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमान और DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, SFC तथा सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर: डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद और 1 ट्रॉफी मिली। अगला प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ए समुद्री सुरक्षा, बी जनजातीय विकास, सी साइबर सुरक्षा, डी बाल शिक्षा। आंसर: ए समुद्री सुरक्षा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है।